जब भी हमारे ये जो फ्री ब्लॉग जो हमारा बना हुआ है 000 वेब होस्ट पर, तो अपना यूआरएल एड्रेस के साथ अगर डैशबोर्ड पे जाना है तो हम लोगों ने क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, wp-login.php जैसे एंटर करेंगे, उसके बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, इसके बाद जो भी यूजर नेम और आपका पासवर्ड हो वो एंटर करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका वो डैशबोर्ड आ जाएगा, इस सामने मौजूद है हमारा डैशबोर्ड। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पर ये तो जो मौजूद है पोस्ट, इस पर ऑल पोस्ट पर जाते हैं तो हमारी जितनी भी पोस्ट की हुई होती है वो सारी यहाँ पर मैनेज हुई होती है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है तो ये सारी अवेलेबल मौजूद है। अब अगर हमें नई पोस्ट लगानी है या तो इसके ऊपर ही ऐड न्यू का ऑप्शन है, अगर यहाँ नहीं तो ये दूसरी उधरी हमारे पास डैशबोर्ड के लेफ्ट में जो हमारा पैनल मौजूद है उसमें ऐड न्यू का ऑप्शन है, वहाँ पर जाएंगे और हम लोग नई पोस्ट लगा सकते हैं। और पोस्ट लगाने से पहले मैंने आपको ये कहा था कि जब आप लोग नई पोस्ट के लिए जाते हैं तो वो सही तरीके से एफिशिएंट नहीं होता इतना जितना हमारे पास होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। कौन सा? क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर प्लगइन इंस्टॉल करोगे तभी हो जाएगा। मेरे पास और भी प्लगइन्स हैं इसलिए पेज बिल्डर मेरे पास साथ आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। अब दूसरी चीज, अगर हम पहले जाते हैं वापस अपेयरेंसेस पर, थीम पर, ये थीम हमारे पास मौजूद है। थीम क्या करती है, आपका लेआउट का स्ट्रक्चर बदल देती है। ठीक है, कुछ थीम्स आपके पास ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, ये वर्डप्रेस चार थीम्स आपको देता है, ये चार थीम अवेलेबल है। जो एक्टिवेट होती है उस पर सिर्फ कस्टमाइज का ऑप्शन होता है, और जो एक्टिवेट नहीं होती उस पर एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाता है। आप उसको लाइव प्रीव्यू देखने के बाद आप इन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये लाजमी नहीं कि यही हो, हम और बहुत सारी थीम्स हैं जिनको ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ यहाँ से भी, और अपेयरेंस में यहाँ से ऐड पर जो अगर दोबारा थीम पर क्लिक करेंगे वहाँ भी ऐड का ऑप्शन आ जाता है। सो यहाँ पर अभी वो सर्च करके बहुत सारी थीम्स आपको व्यू करवाएगा। मैं ज़रा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ थीम्स अवेलेबल हैं, अभी ये लोड कर रहा है। ठीक है, नेट स्लो की वजह से ये थोड़ी थोड़ी हमारे पास आ रही है, लेकिन हम लोग यहाँ ये देखिएगा सर्च के ऑप्शन में आकर यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी एजुकेशन रेलिवेंट थीम हो, मैंने आपको कल भी दिखाई थी, लास्ट टाइम भी दिखाई थी। अच्छा, देखिएगा ये एजुकेशन रेलिवेंट थीम्स आना शुरू हो गई है। ठीक है, बिजनेस ऑन पेज, एजुकेशन मेथड, ये सारी अभी लोड हो जाए ऐसा ऐसा तो आपको पूरी इमेजेस भी क्लियर हो जाएंगी। तो एटलीस्ट ये तो आप लोग वैसे डायरेक्टली इंस्टॉल करें जिस थीम का आपको पता है, अगर इंस्टॉल का नहीं भी पता तो आप लोग एक बार प्रीव्यू देख लें उसका। ठीक है, प्रीव्यू देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये किस तरीके से मैनेज हो रही है। यहाँ पर एज लाइक देखिए, इसमें मेरे ख्याल में एक इमेज है, कुछ में आपके पास यहाँ पर स्लाइडर के वो ऑप्शंस भी होते हैं, फिर आप उसमें स्लाइडर्स भी लगा सकते हैं। चले जी, मैं इस वक्त ये ही लगा देता हूँ जो ये मौजूद है, इसके मेन्यूज टॉप पर अवेलेबल है, ये लगा देते हैं हम लोग, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से हम प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं ऑप्शन वही है, प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है इसे, एक्टिवेट नहीं करेंगे तो पुरानी लगी रहेगी। एज लाइक मैं आपको वही रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये व्यू वेबसाइट आ गई, मेरा कंट्रोल क्लिक करके जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नए टैब में जाकर इसको ओपन कर देगी। ये देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपके सामने है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये पोस्ट वगैरह लगी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ जिसको मैंने अभी इंस्टॉल किया है, और थीम्स में जाएंगे तो पांचवी थीम ये भी खड़ी होगी जिसको चाहेंगे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे थोड़ा टाइम ले रही है क्योंकि नेट बहुत स्लो है हमारे पास। सो अब ये एक्टिवेट हो गई है, मैं रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में जरूर चेंज आया होगा। बाकी स्ट्रक्चर की चेंज बाकी हमारी मैनेजमेंट है, देख लीजिएगा ये बदल चुके हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये बकायदा हम मोर पर जाकर फीचर इमेज लगाकर चीज़ें मैनेज करेंगे वो अलग बातें। खैर, हमारे पास ये इस तरीके से यूटिलाइज हो रही है, अब इसका स्ट्रक्चर पूरा बदल चुका है। अब आज जो हम जो चीज़ करने जा रहे हैं, देखिएगा हम जो भी पोस्ट करते हैं वो हमारे होम पेज पर मौजूद होती है।
जितनी भी पोस्ट कर ले वो सारी सारी होम पेज पर आती है, हमारा पहला पेज। हम लोग एक पहली चीज, दूसरी हम लोगों ने मेन्यू बनाना होता है। मेन्यू बहुत सारी चीजों से बन जाते हैं, आप पोस्ट से बनाना चाहें, पोस्ट के मेन्यू बन सकते हैं, आप पेजेस, पेजेस अलग अभी हमने नहीं पढ़ा, पेजेस भी देखेंगे हम लोग, पेजेस से भी मेन्यू बनाएंगे, हम लोग डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे आगे जाकर, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। दूसरी चीज, हम लोग मेन्यूज क्यों बनाते हैं, हमने छोटी छोटी अलग अलग कैटेगरीज बनाई होती है, यहाँ पर ये काम हो, यहाँ पर ये काम हो, यहाँ पर इस काम से रेलिवेंट है, यहाँ पर जी हमारी सारे प्रोडक्ट की चीजें व्यू होंगी, ये जो रही है यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं, ये जो रही है यहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, इस तरीके से हमारे पास मौजूद है। एज लाइक अभी मैं अगर फैशन की साइट बनाने जाऊँ तो फैशन की साइट में मैं मेंस की अलग कैटेगरी बनाता हूँ, वो मेंस की अलग कैटेगरी बनाता हूँ, लेकिन पोस्ट का एरिया तो मेरे पास एक है। अब हम लोग क्या करेंगे अलग अलग भेजने के लिए, हम ये भी देखेंगे आज, और किस तरीके से मेन्यू बना सकते हैं उसका एक तरीकाकार आज देख रहे हैं हम लोग। मेन्यू बनाने के लिए पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास होता है कैटेगरीज, इसके जरिए से आपकी पोस्ट भी मैनेज होगी और आपके मेन्यूज भी एफिशिएंटली बन जाएंगे। अब वो कहाँ से होते हैं, जब हम लोग पोस्ट में जाते हैं, यहाँ देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जब हम लोग पोस्ट में जाते हैं वहां पर देखिए कैटेगरीज का ऑप्शन अवेलेबल है, ये रहा कैटेगरीज का ऑप्शन पोस्ट के अंदर ही, ठीक है। कैटेगरीज पर हम लोग क्लिक करते हैं, सो ये एक ओपन हो गया पेज इसका जहां से हम कैटेगरीज बना सकते हैं। यहां पर हम लोग कैटेगरीज का नेम देंगे, कोई स्लग वगैरह देना तो वो दें, फिलहाल हम स्लग वगैरह नहीं देते, कोई यूआरएल वगैरह आप लोगों को देना, क्योंकि यूआरएल बाय डिफॉल्ट हम लोग उस कैटेगरी को यूज करेंगे, वहां पर खुद पोस्ट भेजेंगे, ठीक है। यहाँ देखें हमारी जो इस वक्त चीजें जा रही है ना वो अन कैटेगरी के अंदर जा रही है, आप पोस्ट के अंदर जाकर देखिएगा अन कैटेगरी लिखा हुआ है सबके ऊपर कैटेगरीज वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। तो एक तरीका कार यहाँ से हम लोग कैटेगरीज बना सकते हैं, और भी तरीका कार है जहाँ हम कैटेगरी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से बना रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ जी जावा, ठीक है। सो मैंने जावा लिखा बस, और बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना, डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे रहा मैं, एड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे एड न्यू कैटेगरी पे मैं क्लिक करता हूँ ये जावा आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह और भी कुछ लिख लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ पर सी शार्प लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने सी शार्प लिखा, इसके बाद आता हूँ एड कैटेगरीज, सो ये सी शार्प आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या कर देना है, इसको अप्लाई कर देना है ताकि ये हमारा सेव हो जाए, ये कैटेगरीज हमें वहां जाकर मिले, बाद में हमने इनको यूज भी करना है। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, हमारे स्टिल वही अपेयरेंसेस जहां से हम लोगों ने थीम निकाली थी, वहां एक ऑप्शन है मेन्यूज का, अपेयरेंस में यही तो चीजें ना, थीम बना लेंगे, मेन्यूज वगैरह एडिट करेंगे, मैं मेन्यूज में जा रहा हूं, ठीक है। मतलब ये जो मैंने कैटेगरीज बनाई है इन कैटेगरीज को मैं मेन्यू का हिस्सा बनाऊंगा। क्या बनाई थी, कैटेगरीज बनाई थी, देखो पेज के जरिए से मेन्यू बन सकता है, कोई कस्टम लिंक के जरिए से मेन्यू बन सकता है, बॉटम में आकर सारा दिखा देता हूँ मैं, ये पेज हमारे पास मौजूद है इसके जरिए से मेन्यू बना सकते हैं, पोस्ट मौजूद है, पोस्ट के जरिए जितनी भी हम लोग देखो जितनी मैंने पोस्ट की है सारी पोस्ट अवेलेबल है, ठीक है। इसके जरिए से बना सकते हैं कस्टम लिंक्स अपनी तरफ से, यहाँ कोई यूआरएल दें उसका, कोई टेक्स्ट ऐड करें उसके जरिए से बना सकते हैं, और कैटेगरीज के जरिए से भी बना सकते हैं। अभी कैटेगरी बनाई थी सी शार्प और जावा की, मैंने इन पर चेक किया, और ऐड मेन्यू के जरिए से जैसे क्लिक करेंगे ये राइट साइड पर जहां पर होम और पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन आया हुआ है यहां पर ही आ गए, ये देखिएगा ये मौजूद है। अब इसको मैं कर रहा हूं क्रिएट मेन्यू, यहां पर सारा लोड हो जाए, ये देखिए इसका यहाँ टॉप पर नाम भी मौजूद है मेन्यू वन के नाम से। अब जरा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देखते हैं आते हैं, पेज बिल्डर बाय सैंपल पेज, इसमें एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कस थीम में उन्होंने उसको एज एन हेडर के तौर पर नहीं सिलेक्ट किया होता। चले जी अभी नहीं आया हुआ, चले हम दोबारा जाते हैं, यहाँ देखिएगा ये अभी नहीं आ रहे, तो मैं मैनेज लोकेशन में जा रहा हूँ, ठीक है, उसी मेन्यू के मैनेज लोकेशन में। ये अक्सर थीम में प्रॉब्लम नहीं होती, किसी किसी में हो जाती है। सो यहाँ पर
ये देखिए कि प्राइमरी मेमोरी किसको बनाना था, वो जिसका नाम अभी हमने मेन्यू वन रखा हुआ था, यानी कि इसको करो सेव चेंज कर दो। मेन्यू वन कौन सा है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था जिसमें हमारा होम और बाकी सारी की सारी चीजें मौजूद थी। ये हो जाए, ये देखिएगा मैं वापस मेन्यू में आकर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये मेन्यू वन नाम लिखा हुआ था, ये आ रहा था जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। कौन कौन सी, ये जो मेन्यूज अब हमने बनाए थे। अब मैं इसको जरा सेव करता हूँ। सेव हो गया, अब जरा जाते हैं हम लोग साइट पर और देखते हैं। जरा इसको जूम आउट भी कर लूं ताकि नजर भी आए। ये देखिएगा होम पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, इसका भी स्टाइल इस थीम का ऐसा है इसलिए आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक, किसी और थीम का स्टाइल कुछ और होगा तो मेन्यू कुछ और तरीके से नजर आएगा। सैंपल पेज सी शार्प जावा, ठीक है, ये मेन्यू हिस्सा बन गए। ये अकॉर्डिंग टू थीम वेरी करती हैं चीजें, अकॉर्डिंग टू थीम वेरी करती हैं चीजें। अब मेन्यू बनाने का तरीका कार आ गया, दोबारा बता रहा हूँ, पोस्ट में जाना, कैटेगरीज में, कैटेगरीज हमने क्रिएट करनी है, फिर अपेयरेंस में आना, अपेयरेंस में आप लोगों का मेन्यू का ऑप्शन है वहां पर जाना है, वहां पर जाकर हम लोगों ने कैटेगरी क्रिएट की थी उधर जाएंगे, व्यू ऑल करेंगे, चेक करने के बाद ऐड न्यू कर देंगे। जब वो ऐड हो जाएंगी उसे सेव कर कर देखिएगा, अगर नहीं हो रहा तो मैनेज लोकेशन में जाना है, वो जो नाम लिखा होगा उसको चेक करके ओपन कर देना ताकि ये सारे के सारे आपके पास आ जाए। ठीक है, अभी देखिएगा पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन जो सैंपल पेज आ रहा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव कैसे कर सकते हैं ये भी देख लें, कल को ये भी हमारे पास काम आएगा। ये पेज ओरिजिन बाय, ये लिखा हूं ना पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, मैंने इसको क्लिक किया, ये रिमूव का ऑप्शन है, ठीक है, उस पर क्लिक किया, ये खत्म। सैंपल पेज मैंने क्लिक किया, ये रिमूव कर दिया। ठीक है, हम लोग इसको उठाकर आगे पीछे भी रख सकते हैं जैसे मैनेज करना चाहे। मैंने सी शार्प को बॉटम में कर दिया, मैं सेव अंडू कर भी कर देता सकते हैं, हूँ। अंडू कर सकते हैं, मतलब जो डिलीट किया वो वापस बना सकते हैं, या नहीं 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 दोबारा वो से नहीं, कंटिन्यू भी वो कर नहीं, वो सकते दोबारा हैं। से यहाँ मौजूद है यार, इधर से आके निकाल लो पेजेस है ना, ये पेजेस में जाऊंगा मैं, ये खड़ा पेज बिल्डर बाय साइड जो दोबारा ऐड करो ऐड हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है मेरे भाई, अख्तर है, जी सर, सही है ना। ये देखो ये होम जावा और सी शार्प आ गया है। अब जो मेन चीज बता रहा हूं, जहां पर यू समझे कि हमारा वर्डप्रेस आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है, पोस्ट को मैनेज करना। अब अगर आपके पास कैटेगरीज अगर बन चुकी हैं तो आपकी पोस्ट बड़ी आसानी से मैनेज होती है। मैं आता हूं इधर वापस हमारी पोस्ट पर, एड न्यू पोस्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, एड न्यू पोस्ट पर क्लिक किया, वही नई पोस्ट जो मैंने लगानी थी, मैं यहां पर लिख देता हूं जी, एक पोस्ट का नाम लिखता हूं जावा प्रोग्राम। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा बहुत वैसे कुछ लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं दिस जो भी है। दिस इज जावा प्रोग्राम, और यहां देखिएगा पब्लिश का ऑप्शन है। पब्लिश से पहले हमने एक और भी चीज देखी थी, क्या सेट फीचर्ड इमेज। ठीक है, अब फीचर्ड इमेज लगाना चाहते हैं तो फीचर्ड इमेज भी लग सकती है यहां पर एज लाइक। चले फिलहाल मेरे पास एक क्लॉथ की है, मैं एक क्लॉथ ही लगा देता हूँ वरना हम लोग कोई और लगाते हैं। ठीक है, फीचर इमेज सेट हो गई हमारे पास। दूसरी चीज ये जाएगी डायरेक्टली सिर्फ होम पेज पर, मैंने कहा होम पर नहीं भेजते, होम पर चले जाएंगे, होम को बाद में मैं स्टार्टिंग करूंगा। मैंने कहा जी ये चली जाए जावा में, ये देखिएगा कैटेगरीज आ रही है आपके राइट कॉर्नर पे, उसी पोस्ट वाले एरिया में जहां आप पोस्ट को पोस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये देखो ना ये पोस्ट मौजूद है ना इसके, ये देखिएगा ये फॉर्मेट्स वगैरह, ये मैंने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं जिसकी वजह से ये चीजें आई हुई हैं। तो ये बाजूकात पे हमारे पास ये आ जाएंगी, यहाँ कैटेगरीज अवेलेबल है, कौन कौन सी है, जावा है, सी शार्प है। अगर और कोई कैटेगरी क्रिएट कर रही है ना, ये देखो ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप नई कैटेगरी बना सकते हो। एक कैटेगरी वहां पर पोस्ट में जाकर कैटेगरी के ऑप्शन से, दूसरा जब पोस्ट कर रहे हो तब हमारे पास हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे, मैं कहता हूँ ये पोस्ट किधर जाए,
जावा में। अगर मैं सी शार्प पर भी क्लिक कर देता तो ये उसमें भी चली जाती। इसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ पब्लिश। चलो जी हमारी होगी पब्लिश, जाकर देखते हैं। मैं होम पेज पर आता हूँ ताकि अपडेट भी हो जाए साथ के साथ। ये फीचर्ड इमेज के साथ यहाँ मौजूद है, बाद में हम यहाँ पर इसको यहाँ भी नहीं आने देंगे। फिर गई किधर है? जावा जावा में। लेट मी चेक दैट कि जावा में आई है। ये जावा में खड़ी है, ठीक है। ये जावा के अंदर मौजूद है। सी शार्प को चेक कर ले, पॉज पर क्लिक हो गया। सी शार्प पर चेक कर ले, ये देखें सी शार्प में कुछ नहीं। आप लोग दूसरी भी हम लोग पोस्ट लगा सकते हैं। मैं ऐड न्यू पोस्ट कर रहा हूँ अगेन ताकि हम लोग नई पोस्ट लगा सके। सी शार्प, ठीक है, यहाँ मैंने ये किया। अब इसके बाद अगर फीचर डी में सेट करनी तो आपकी मर्जी, नहीं करनी। फिलहाल मैं किधर भेज रहा हूँ? कैटेगरीज में सी शार्प के अंदर। अब इसे करता हूँ पब्लिश। जैसे मैंने इसको पब्लिश किया, ये होम पेज पर तो आएगी लेकिन साथ ही साथ कहाँ भी चली गई होगी? सी शार्प में। अब इस तरीके से अगर ये कैटेगरीज हमारे पास हो, हमारी शिट मैन, हमारी पोस्ट को मैनेज करना आसान हो जाता है। यहाँ देखिए मैं सी शार्प पे क्लिक करता हूँ, ये सी शार्प में कैटेगरी में आया हुआ है। देखो दिस इज सी शार्प, ठीक है। और वो जावा वाला जावा में चला गया। सो कैटेगरीज का ये फायदा है, आपकी पोस्ट सही तरीके से मैनेज होगी। देखनी है ऑल पोस्ट में जाए, आपको क्लियरली पता लगा होगा कि कौन सी पोस्ट कहाँ पर गई है और किसने की है। एडमिन ने की है, ये ऑथर्स लिखे हुए हैं। कैटेगरीज कौन सी है? देखो सी शार्प जावा, और बाकी कहाँ पर है? अन कैटेगरीज में मौजूद है, मतलब कोई कैटेगरी नहीं है वहां पर, वहां लगी सारी सारी। समझ में आ गई? अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, सुन ले। हम लोगों ने क्या किया, कैटेगरीज बनाई ताकि हम लोग मेन्यू क्रिएट कर सके। सो इसलिए मैंने, हम लोग गए पोस्ट में। पोस्ट में जाते ही हमें जो ऑप्शन मिला वो कैटेगरीज का ऑप्शन मिला। वहां कैटेगरीज पर हम लोग जब जाते, कैटेगरीज पर जाते ही हम लोगों को कैटेगरीज को ऐड करने की फीचर देता है वो, कि कैटेगरी ऐड कर ले। कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है तो कैटेगरी ऐड करेंगे यहाँ पर, ये कैटेगरीज ऐड करते रहेंगे, सेव हो जाएंगे। उसके बाद हमने सेव कर लेंगे। फिर कहाँ पर जाएंगे? अपेयरेंस में जाना है। अपेयरेंस में मेन्यू अवेलेबल है, मेन्यू पर जाएंगे। हमने कैटेगरी क्रिएट की है, कैटेगरी को ओपन कीजिएगा, वहां व्यू ऑल पे जाइएगा, उन सबको ऐड कर देना। अगर आपके पास ऊपर शो नहीं हो रहे तो वो मैनेज लोकेशन में जाना है और उसको एज एन प्राइमरी मेन्यू कर देना ताकि वो स्टॉप पर ही नजर आए हमारे पास। और भी बहुत सारी जगह पर हम लोग मेन्यू लेके जा सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम, बहुत सारी जगह है, वो बाद में बात करेंगे। हम विजिट्स की बेस पर मैनेज करेंगे, फिलहाल ये ऐसे ही है। समझ में आई? अब आप लोगों का जो काम है वो ये है कि आप